में मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। दाइश के हिरासती मरकज से रिहा होने वाली दो कैनेडियन खवातीन मुल्क पहुंचते ही गिरफ्तार। दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार एक खातून से तफ्तीश शुरू कर दी गई। ग्लोबल अफेयर्स कैनेडा का कहना है कि अमरीका ने हुकूमत के ऑपरेशन में मदद की। मिसिसागा में दिवाली की तकरीब में खालिस्तान के हामियों और भारतीय शहरियों के दरमियान लड़ाई। तकरीब के दौरान तकरीबन 500 भारतीय तारिकीन वतन शरीक थे। हजूम के मुंतशिर होने तक पुलिस अमन के लिए इलाके में मौजूद रही। इंतखाबात के दौरान किए गए वादों की तकमील के लिए टोरंटो के मेयर पुरजम जॉन टोरी का हाउसिंग की तामीर को तेज करने के लिए सिटी डिपार्टमेंट तश्कील देने का ऐलान। इनका कहना था कि अपने शहर के लिए मेयर के खुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। रूस का जौहरी मशकों के दौरान खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा। रूसी सदर ने जौहरी मशकों की निगरानी खुद की। जो बाइडन ने यूक्रेन में जौहरी हथियारों के इस्तेमाल पर रूस को खबरदार कर दिया। बांग्लादेश में सितरंग तूफान की तबाहकारियां, 16 अफराद हलाक, 10,000 लोग बेघर हो गए, 1 करोड़ सारिफिन बिजली से महरूम हो गए हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. कैनेडियन पुलिस ने शाम में दाइश के हिरासती कैंप से रिहा होकर कैनेडा पहुंचने वाली दो खवातीन को गिरफ्तार कर लिया है। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन पुलिस ने शाम में दाइश के हिरासती कैंप से रिहा होकर कनाडा पहुंचने वाली दो खवातीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दो कैनेडियन खवातीन को गिरफ्तार कर लिया है जिन पर दहशतगर्दी से मुतालिक जराइम का इल्जाम आयद किया है, जब वो वफाकी हुकूमत के जरिए उन्हें शाम में आई ISISI के जंगजुओं के खानदान के अफराद के हिरासती कैंप से वापस कनाडा लाया गया। RCMP ने कहा है कि उसने अमेमा को कनाडा पहुंचने पर मॉन्ट्रियल के ट्रूडो हवाई अड्डे से दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार किया। कैनेडियन किम्बर्ली पॉलमैन के वकील ने बताया कि बुध की सुबह मॉन्ट्रियल पहुंचने के बाद गिरफ्तार किया गया था। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने तस्दीक की कि कनाडा के ताज़ा तरीन ऑपरेशन के दौरान शुमाल मशरकी शाम के एक हिरासती कैंप से दो बच्चों को भी वापस लाया गया। RCMP ने कहा कि 27 साल उमैमा 2014 से इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट टीम के जेरे तफ्तीश है। वो अब 4 मुजरमाना इल्जामात का सामना कर रही है जिनमें दहशतगर्द ग्रुप में हिस्सा लेना, ऐसा करने के लिए कनाडा छोड़ना और दहशतगर्दी के मकासद के लिए जायदाद या खिदमात दस्तियाब करना शामिल है। तहकीकात के मुताबिक उमैमा ने मुबैना तौर पर इस्लामिक स्टेट दहशतगर्द ग्रुप में शामिल होने के लिए शाम और इराक का सफर किया था। शाम में इस पर इल्ज़ाम है कि उसने इस्लामिक स्टेट के नाम पर दहशतगर्दाना सरगर्मियों में हिस्सा लिया। दूसरी जानिब पुलिस ने 50 साल पार्लियामेंट को गिरफ्तार किया लेकिन उस पर इल्ज़ाम आयद नहीं किए गए। उसने 2015 में दाइश के एक जंगजू से शादी करने के बाद शाम का सफ़र किया जिससे उसकी ऑनलाइन मुलाकात हुई। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा का कहना है कि अमेरिका ने हुकूमत के ऑपरेशन में मदद की। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो किसी खास मामले पर तबसरा नहीं करेंगे लेकिन उनका कहना है कि दहशतगर्दी की हिमायत करना कनाडा में जुर्म है। जो भी शख्स दहशतगर्दी की हिमायत के मकसद से सफ़र करता है उसे मुजरमाना इल्ज़ाम का सामना करना चाहिए। कनाडा के शहर मिसिसागा में हिंदुओं के त्यौहार दिवाली की तकरीबात में भारतीय और खालिस्तान का परचम लहराने वाले सैकड़ों तारिकीन वतन आपस में लड़ पड़े। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर मिसिसागा में हिंदुओं के त्यौहार दिवाली की तकरीबात में भारतीय और खालिस्तान का परचम लहराने वाले सैकड़ों तारकीन वतन आपस में लड़ पड़े। पुलिस ने उसे एक बड़ी लड़ाई करार दिया है जिसमें कुछ अफराद को जख्मी होने की इत्तला दी है। फील्ड पुलिस ने कहा कि उन्होंने माल्टन के
गोरवे और एटीवुड ड्राइवर्स वेस्टवुड मॉल में पार्किंग में 400 से 500 अफराद की लड़ाई की रिपोर्ट्स का जवाब दिया है। लोग आतिशबाजी करके दिवाली का जश्न मनाते नजर आए। हुजूम के मुंतशिर होने तक पुलिस अमन के लिए इलाके में मौजूद रही। तमाम गाड़ियों को हटाने के लिए पुलिस की कार्रवाई के बाद मुकामी रोडवेज को बंद कर दिया गया। कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के शहर मिसिसागा में दिवाली की तकरीबात के दौरान तकरीबन 500 भारतीय तारकीन वतन शरीक थे, जिनमें से कुछ उस वक्त वाहम गुत्थम गुत्था हो गए जब दिवाली मनाने वाले एक गिरोह ने भारतीय परचम उठा रखे थे, जबकि इस मौके पर मौजूद भारतीय सिखों ने खालिस्तान के परचम भी लहराए। सामाजिक रابطوں की वेबसाइट्स पर जारी वीडियोस में देखा जा सकता है कि पुलिस अहलकार खालिस्तान और भारतीय परचम उठाए हुए मुश्तइल अफराद को झगड़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर मौजूद भारतीय तारकीन वतन नारेबाजी भी करते रहे। मुकामी पुलिस ने वजाहती बयान में कहा है कि हुजूम कई सौ अफराद पर मुश्तमिल था, ताहम झगड़ने वाले चंद लोग थे जिनमें से एक शख्स जख्मी हुआ जिसे तिबी इमदाद फराहम की गई। टोरंटो के मेयर जॉन टोरी अपने इंतखाबी मुहिम के अहम वादों में से एक को पूरा करने की तरफ पहला कदम उठा रहे हैं। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। टोरंटो के मेयर जॉन टोरी अपने इंतखाबी मुहिम के अहम वादों में से एक को पूरा करने की तरफ पहला कदम उठा रहे हैं। वो अपने नए मजबूत मेयर के इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए हाउसिंग की तामीर को तेज करने के लिए सिटी डिपार्टमेंट तश्कील देने का अहद कर रहे हैं। जॉन टोरी ने यह ऐलान अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीसरी मुद्दत के ओहदे पर फाइज होने के बाद किया। शहर में मकानात की तामीर की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही शहर के अमले को नई तरक्की और नमो का डिवीज़न बनाने के लिए मुतहरिक कर दिया है। उनका कहना था कि ये सिटी हॉल में एक बुनियादी तब्दीली है और हमारी हुकूमत ने कैसे काम किया है और ये सब कुछ इस बात को यकीनी बनाने के लिए है कि हम उन लोगों के लिए जो अक्सर मकानात की तामीर और नए मकानात की जल्द से जल्द मंजूरी हासिल करने के ख्वाहां हैं उनके लिए मंजूरी एक मसला रहा है। इस मौसम खिजा में मेयर के इंतखाबात के दौरान टोरी ने शहर में लोगों के लिए मजीद सस्ते घर बनाने के लिए 5 नुकाती हाउसिंग प्लान मुतारिफ कराया। तरक्याती दरख्वास्तों को तेज करने के लिए शहर की ब्यूरोक्रेसी को दोबारा मुनज़िम करने की तजवीज़ इस मंसूबे का हिस्सा थी। टोरी ने कहा कि वो ऑन्टेरियो हुकूमत की तरफ से उन्हें दिए गए मजबूत मेयर इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे, खास तौर पर अगर ज़रूरत हो तो महकमे को जल्द अज जल्द चलाने और चलाने के लिए अमले की तंजीम नौ के लिए भी उसका इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि हम कैनेडा में रिहायश के बहरान का शिकार हैं और उसे यहाँ टोरंटो शहर में शिद्दत से महसूस किया जा रहा है। हम मकानात की तामीर के लिए एक शहर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते और हमें यकीनी तौर पर सूरत हाल को खराब करने से बचना है। रूस ने जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के तरबियत याफ्ता फौजी अहलकारों की मशकों के दौरान बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया, जिसमें सदर प्यूटिन ने कंट्रोल रूम से निगरानी की। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूस ने जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के तरबियत याफ्ता फौजी अहलकारों की मशकों के दौरान बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया, जिसकी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कंट्रोल रूम से निगरानी की। जबकि अमरीकी सदर जो बाइडन ने रूस को खबरदार किया है कि अगर यूक्रेन में जौहरी हथियार इस्तेमाल किए तो बहुत बड़ी गलती होगी। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपनी जौहरी सलाहियतों की हामिल बहरी और फिजाई अफवाज के यूनिट्स की मशकों का जायजा लिया। सदर पुतिन का कहना था कि जौहरी मशकें मुल्क को दरपेश न्यूक्लियर खतरात के पेश नजर की जा रही हैं। रूस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अफवाज की जौहरी मशकों के दरमियान बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के कामयाब तजुर्बे भी किए गए। ये मिसाइल जमीन से जमीन, जमीन से फिजा और जमीन से समंदर में मार करने की सलाहियत रखते हैं। उधर रूस के वजीर खारजा सरगई लारोफ ने अपने भारतीय और चीनी हम मनसबों से टेलीफोनिक गुफ्तगू में यूक्रेन की जानिब से डर्टी बम की तैयारी और रूस पर इस्तेमाल के खदशे से आगाह किया। दूसरी जानिब यूक्रेन ने रूस के इल्जामात को मजहका खेज और खतरनाक करार देते हुए कहा कि ये दावे रूस अपनी कार्रवाइयों के जवाब के लिए घर रहा है। यूक्रेन को अपना दिफा करने के लिए डर्टी बम की जरूरत नहीं। वाज़ह रहे कि डर्टी बम एक रिवायती बम है जो तापकार हयातियाती या कीमियाई मवाद से लेस होता है और ये मवाद धमाके के बाद फैल जाता है और बड़े पैमाने पर तबाही मचाता है। दूसरी तरफ अमरीकी वजारत खारजा की डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जैन गोइटो ने अमरीका की मशरक़ वस्ती से वापसी के इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा कि हम इतना दूर नहीं जाएंगे कि मशरक़ वस्ती में किसी तरह का खला पैदा हो जिसे चीन, रूस या ईरान पुर करें। इराक के बारे में एटलांटिक काउंसिल में एक तकरीब से खिताब करते हुए सीनियर अमरीकी सिफारतकार जैन गोइटो ने मजीद कहा कि रूस और ईरान के गठजोड़ पर गहरी तशवीश है।
बांग्लादेश में सितरंग तूफान से तबाहकारी के नतीजे में 16 अफराद हलाक, जबकि लाखों शहरी अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। खलीज बंगाल के समंदरी तूफान सतरंग ने बांग्लादेश में तबाही मचा दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सतरंग तूफान से तबाही के नतीजे में 16 अफराद हलाक, जबकि लाखों शहरी अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। समंदरी तूफान सतरंग से मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 16 हो गई है। 88 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं और बारिश से दरख्त गिर गए, सड़कें तालाब बन गई। समंदरी तूफान के बायस 10,000 घरों को नुकसान पहुँचा, जबकि 1 करोड़ सार्फीन बिजली से महरूम हो गए हैं। खलीज बंगाल के समंदरी तूफान के बायस बांग्लादेश में मवासलाती निज़ाम मुतासिर हो गया है, जबकि साहिली इलाकों से 10 लाख अफराद शेल्टर होम्स मुंतकिल कर दिए गए हैं। टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेक टीवी।